हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक मार्वल कंटेस्ट ऑफ चैंपियन के एक नए गेम प्ले वीडियो में। आज के इस गेम प्ले वीडियो में आप सभी लोगों को बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि आज फिर से होने वाली है क्रिस्टल ओपनिंग। कुछ साइबर वीकेंड ऑफर्स थे जो मुझे बाय करने चाहिए, मैंने अच्छे से पढ़े नहीं थे, मुझे बाय करने चाहिए और मैं बाय करने वाला हूँ। देन क्रिस्टल ओपनिंग होने वाली है एंड कुछ ड्यूअल की रिक्वेस्ट आई है, वो भी पूरा करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जाते हैं हम स्टोर पे, वहाँ पे हम आज, यार वैसे मैंने ना सोचा था कि मैं आज 6.1.1 शुरू करूँगा, बट मेरा है चैम्पियंस अलायंस क्वेस्ट में फंसे हुए हैं, अलायंस वॉर में फंसे हुए हैं। जैसे ही यहाँ से निकल जाते हैं देन हम एक्ट 6.1.1 शुरू करेंगे। अगला जो गेम प्ले होगा शायद से 6.1.1 का ही होगा, देखते हैं कैसे हिसाब से रहता है, यहाँ तो नए इवेंट के बारे में होगा। तो हम शुरू करते हैं, स्टोर पे जाते हैं, कुछ ऑफर्स हैं जो मुझे बाय करने हैं साइबर वीकेंड पे। देखो सबसे पहले जो मैंने ऑफर देखे थे मिथिक वाले, ये तो मैंने सही तगड़ा वाला ऑफर बाय कर लिया था 2000 यूनिट का। मेरे पास यूनिट बहुत सारे हैं और साल में एक ही बार ये ऑफर आता है, मुझे लगता है ऐसा एक ही बार आता है, तो हमें बाय कर लेने चाहिए। 1000 यूनिट के एडवांस समनर बंडल हैं जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, जिसमें कि क्या मिलेगा, वेट अ सेक, ये वाला एडवांस समनर बंडल 2, जिसमें हमें 3 लेजेंडरी नेक्सस क्रिस्टल मिलने वाले हैं, 5000 के शार्ड्स मिलेंगे 5 स्टार के, एंड 1 लाख गोल्ड मिलेगा। 1000 सस्ता ऑफर है नेक्सस में। अब ये है, मैं ये क्यों बाय कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्सस में 5 स्टार हीरो रेटिंग की जो है परसेंटेज ड्रॉप रेट जो है वो 20% है। 20% पर ही मेरे को ब्लैक विडो क्लियर वॉइंट मिली थी मिथिक क्रिस्टल में। तो सबसे पहले मैं ये बाय कर रहा हूँ 1000 का। एंड दूसरा जो मैं बाय कर रहा हूँ वो ये है एडवांस समनर बंडल 4। इसमें क्या है, T2 अल्फा 5 मिलने वाले हैं, T4 बेसिक के फ्रेगमेंट्स मिलने वाले हैं आधे, मतलब कि 50%, एंड 2 लाख गोल्ड मिल रहा है, जो कि गोल्ड मेरे को चाहिए मतलब। तो 2000 यूनिट्स का ये है, ये मैं खर्च रहा हूँ। वैसे ज़रूरत नहीं थी इसकी मेरे को, बट मैं खर्च क्यों रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट वाला ऑफर, इसके बाद जो आने वाला है वो ऑफर बाय करने के लिए। सबसे पहले इसे खरीद लेते हैं, ये भी रैंकअप के काम आ जाएगा। तो अब जो बंडल मैं बाय करने वाला हूँ वो है समनर बंडल 3। बेटा सेक, ये तो ओपन अनलॉक हो जाना चाहिए था, हुआ क्यों नहीं है। 5000 यूनिट तो ओके, ये क्लेम करना होता है देन, ठीक है। मेरे को, मैं डर गया भाई, ये क्या हुआ। ओके तो स्टोर पे चलते हैं, हमको एडवांस समनर बंडल 2 बाय करना है, ग्रेटर समनर बंडल 3 बाय करना 5000 यूनिट का। अब इसमें क्या मिलने वाला है, मुझे सुपीरियर से ज़्यादा अच्छा ये वाला लगा। इसमें क्या मिलने वाला है मैं आप लोगों को बताता हूँ। 2 नेक्सस मिलने वाले हैं 5 स्टार के, 10 ग्रैंड मास्टर नेक्सस क्रिस्टल मिलने वाले हैं, जिसमें कि ड्रॉप रेट क्या है 5 स्टार का 2% है, मतलब कम से कम अगर एक भी यहां से निकल जाता है तो बढ़िया बात है। 7,500 शार्ट्स मिलेंगे 6 स्टार के, जो कि मुझे लगता है मेरा ओके, मेरे को लगा था एक और खुल जाएगा, एंड 5 लाख गोल्ड मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि मुझे चाहिए। 47 लाख गोल्ड हो चुका है यहाँ पे। रैंकअप वीडियो मैं पूरे मंथ का बना रहा हूँ, मैंने बना थोड़ा सा बनाया है, पार्ट्स में बनाऊंगा, जैसे कि आप लोगों ने लास्ट मंथ में देखा था, एंड वाले एंडिंग डेज में, मंथ के दिसंबर के एंडिंग डेज में वो वीडियो भी आ जाएगी, बहुत मेजर अपग्रेड्स होंगे उसमें। तो चलते हैं अब क्रिस्टल्स में, ओपन करते हैं अपनी क्रिस्टल ओपनिंग, देन उसके बाद ड्यूअल करते हैं। मैंने क्या क्या बाय किया था मुझे याद ही नहीं है भाई। अच्छा हाँ, नेक्सस बाय किया था, ग्रैंड मास्टर नेक्सस क्रिस्टल बाय किए थे, लीजेंडरी नेक्सस क्रिस्टल बाय किए थे हमने। तो यहाँ पे 5 स्टार के मिलने के चांसेस ज़्यादा है लीजेंडरी में, एंड नेक्सस में ग्रैंड मास्टर मिलने में बहुत कम है। सबसे पहले इन्हीं को ओपन करते हैं, अगर बुरा होगा तो इधर पे ही होगा, वरना तो देखते हैं, एक एक करके ओपन करते हैं, देखते हैं क्या मिलेगा। पहले नेक्सस में से 5 स्टार कम से कम मेरे को 2 से 3 5 स्टार यहाँ मिल जाए तो बढ़िया बात हो जाएगी। ओके, 4 स्टार नेक्सस हीरो क्रिस्टल मिला है, तो यही ले लेंगे, खरीदना क्या है। ओके, तो दूसरा जो नेक्सस हमें मिलने वाला है, लेट्स सी, देखते हैं दूसरे नेक्सस में हमें क्या मिलने वाला है। 5 स्टार ओके, 5 स्टार नहीं मिला, सारे के सारे 3 स्टार है, तो हम क्या करते हैं, एबिलिटी बढ़ा देते हैं स्टार्क स्पाइडी की ही। 2 तीसरा नेक्सस जो खोलने वाला हूँ ग्रैंड मास्टर का, अगला जो नेक्सस ओपन होने वाला है उसमें हमें जो मिलने वाला है वो देख लेते हैं क्या मिलता है। 5 स्टार भाई, 5 स्टार दे दो कोई। ओके, 4 स्टार का विंटर सोल्जर मिला है, चलो इसे ही अवेकन कर देते हैं, अवेकन एबिलिटी ही बढ़ा देते हैं इसकी। ओके, तो अगला जो नेक्सस ओपन होने वाला है फोर्थ, लेट्स सी यहाँ से 5 स्टार मिलता है, 1 5 स्टार तो दे दो भाई।
फोर स्टार का वेनोम द डक मिला है, चलो इसकी नहीं जगरनॉट मिला है, रोस्टर बड़ा कर लेते हैं फोर स्टार का, अगली बार ड्यूप हो जाएगा अगर आना होगा तो। ओके तो पांचवा जो नेक्सस है ग्रैंड मास्टर क्रिस्टल का, लेट्स सी देखते हैं यहाँ से क्या मिलता है हमें। फाइव स्टार ब्रो, फाइव स्टार, एटलीस्ट एक फाइव स्टार तो दे दो। फोर स्टार का मिला है ड्रैगन मैन जो कि ऑलरेडी मैक्स पे है, ये ही ले लेते हैं, एक क्रिस्टल मिल जाएगा मैक्स की एबिलिटी जो होती है वो वाला, एंड इसे हटाते हैं। अगला नेक्सस खोलते हैं ग्रैंड मास्टर का, लेट्स सी देखते हैं फाइव स्टार, होप करता हूँ मैं फाइव स्टार हो इसमें यार, दे दो भाई फाइव स्टार तो, एटलीस्ट एक तो फाइव स्टार होना चाहिए यार। ओके थ्री स्टार के यहाँ पे सारे के सारे थ्री स्टार के ही हैं, तो सेंटिनल की यहाँ पे एबिलिटी बढ़ा लेते हैं, सिग एबिलिटी बढ़ा देते हैं, ऑफर हटाओ यहाँ से। एंड अगला जो नेक्सस ओपन होने वाला है उसमें क्या है भाई, बुरा बहुत बुरा चल रहा है अभी तक, ये फोर स्टार की जरूरत ही नहीं है वही मिल रहे हैं, फाइव स्टार ब्रो। ओ भाई फाइव स्टार का मेरे को सेंट्री मिल चुका है, अवेकन करने वाला हूँ इसको मैं, बहुत सही है भाई, अवेकन भी हो जाए तो बढ़िया है, सिक्स स्टार के शार्ट्स मिल गए यहाँ पे। एंड अगला एक फाइव स्टार तो हमें मिल चुका है, अगला ओपन करते हैं देखते हैं यहाँ से फाइव स्टार मिलेगा क्या, कोई नया चाहिए मेरे को फाइव स्टार यार। फोर स्टार नेक्सस मिला है इसे ही ले लेते हैं। अगला नेक्सस ओपन करते हैं देखते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा अगले नेक्सस में। ओके फाइव स्टार, ओके थ्री स्टार का यहाँ पे सारे थ्री स्टार के ही हैं, तो एपोक्लिप्सी को ही बढ़ा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके अगला जो नेक्सस ओपन करूँगा इसमें हमें जो मिलने वाला है, एटलीस्ट लास्ट में तो फाइव स्टार दे दो एक और ब्रो, फाइव स्टार दे दो यार। ओ भाई फोर स्टार का हमें दो चैंपियन नए मिले हैं इसमें से, तो चलो एबोमिनेशन मिल गया फोर स्टार का, रोस्टर बड़ा हो गया फोर स्टार का और थोड़ा सा, और एक फाइव स्टार का हमें मिला है सेंट्री जो कि डुप्लीकेट हुआ है, चलो बढ़िया है ये भी सही है। एंड चलो सिक्स स्टार के शार्ट्स मिल गए ना 275 समथिंग, चलो ये बढ़िया बात है। 9950 और अगर शार्ट्स मिल जाते हैं कहीं से मुझे सिक्स स्टार के, देन एक और सिक्स स्टार की ओपनिंग कर देंगे हम यहाँ पे। अब क्या बचा है, लेजेंडरी नेक्सस बचा है एंड और क्या बचा है फीचर्ड, अगर फीचर्ड में वैसे मेरे को सारे मिल चुके हैं फाइव स्टार में, निमरॉड मिल चुका है, हरकुलिस मिल चुका है, और क्या चाहिए यार, और कुछ चाहिए भी नहीं मेरे को, तो मैं सोच रहा हूँ या तो बेसिक ओपन करूँगा, देखते हैं यार। चलो फिलहाल हम जो क्रिस्टल ओपन करने वाले हैं वो है लेजेंडरी नेक्सस क्रिस्टल, जिसमें कि फोर फाइव स्टार की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है मिलने की, 20% ज़्यादा है, तो एक्चुअली में रुको चलो यार ओपन कर ही देते, नेक्सस है तो लेट्स सी, यहाँ से कम एक फाइव स्टार तो मिलना चाहिए और तगड़ा बियॉन्ड गॉड टायर का मिल जाए, कॉर्वस मिल जाए भाई, बढ़िया बात हो जाएगी, देखते हैं लक काम करेगा या नहीं। भाई तीनों के तीनों फोर स्टार मिले हैं जो कि डर ही लग रहा है अब मेरे को अगला खोलने में, चलो इसे अवेकन कर देते हैं साइंस वाले को, रेड गार्डियन को अवेकन कर चुका हूँ मैं। दूसरा नेक्सस जो है लेजेंडरी में, यार फाइव स्टार दे दो भाई, एटलीस्ट एक फाइव स्टार तो दे दो। ओके लेट्स सी फाइव स्टार निकलता है क्या। ओ भाई साहब फाइव स्टार की स्ट्रॉम है, फाइव स्टार की स्ट्रॉम है, म्यूटेंट प्लेयर है, और मुझे लगता है ये भी गॉड लेवल चैंप है, ये भी सीईओ पुल है, मुझे लग रहा है स्ट्रॉम है, काफी अच्छी है स्ट्रॉम भाई। ओके जो लास्ट लेजेंडरी नेक्सस क्रिस्टल ओपन होने जा रहा है वो है फाइव स्टार में कोई, सारे फोर स्टार में ही है, एंड रोस्टर बड़ा करेंगे, अवेकन नहीं करना चाहता मैं, अब मैं किसको लूँ, वैप्स को लूँ या चलो वैप्स है वैसे फाइव स्टार में, जो फिक्सेड ले लेते हैं, इसका बफ भी आने वाला है, लेट्स सी देखते हैं। तो यहाँ से एक फाइव स्टार मिल गया है जो कि तगड़ा मिल चुका है हमें, स्ट्रॉन्ग मिल चुकी है फाइव स्टार की, सेंट्री मिल चुका है, अवेकन हो चुका है, बढ़िया। अब फाइव स्टार नेक्सस हीरो क्रिस्टल ओपन करने की बारी आ चुकी है, हटाओ इसे भाई, ऑलरेडी बहुत सारे ऑफर बाय कर चुका हूँ मैं, 8000 यूनिट स्पेंड कर चुका हूँ मैं, 9000 स्पेंड कर चुका हूँ हाँ। तो फाइव स्टार नेक्सस हीरो क्रिस्टल जो कि हमारे पास दो पड़े हुए हैं, इन्हें भी ओपन करते हैं एंड देखते हैं इनमें से कौन सा मिलता है। कॉर्वस चाहिए भाई मेरे को कॉर्वस चाहिए, मेरे को कॉर्वस ही देना ठीक है।
ओके, शांगची भी मिल जाए तो बढ़िया है। तो पहला जो 5 स्टार नेक्सस हीरो क्रिस्टल है वो उसमें क्या मिलेगा भाई साहब? ये क्या है? डिफिकल्ट है स्ट्राइफी में और गिलोटाइन में, लेकिन गिलोटाइन इज द बेस्ट। गिलोटाइन डिफेंडर तगड़ी, अटैकर तगड़ी, प्यूरोगेटरी तो नहीं चाहिए भाई साहब। क्या क्या लक चल रहा है भाई? ये लो भाई, फिर गिलोटाइन ही ले लेते हैं। अरे यार शांची दे दो भाई, स्किल में चाहिए, स्किल में तगड़ा चैंपियन चाहिए, है ही नहीं कोई मेरे पास। अगला जो नेक्सस ओपन होने जा रहा है वो है दो तो तगड़े मिल गए भाई, स्ट्रॉम गिलोटाइन 209 एंड थॉर इबोनी मॉ। अगर मैं अवेकन कर देता हूँ रेड गार्डियन को, देन मेरा 6 स्टार का ओपन हो जाएगा। एक इबोनी मॉ भी तगड़ा है, थॉर तो नहीं ले रहा मैं, थॉर जेन फॉस्टर तो नहीं ले रहा मैं, इबोनी मॉ मैं अवेकन कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 6 स्टार का ओपन करना है एक। अब डुप्लीकेट नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ से हमें डुप्लीकेट मैंने कर दिया है एक, एंड मुझे लगता है 6 स्टार के बन गए क्रिस्टल। बढ़िया, बहुत बढ़िया, मेरे को लगा नहीं था 6 स्टार का ओपनिंग होगी, बट 6 स्टार की ओपनिंग होने जा रही है, एंड 5 स्टार की एक और की ओपनिंग होगी। मैं पहले देख लूँ यहाँ पे कुछ बचा तो नहीं है। गिलोटाइन मिल गई भाई, गिलोटाइन 2099 मिल गई, स्ट्रॉम मिल गई, और क्या भाई, दो तगड़े चैंपियन मिल चुके हैं, सीओ पुल मिल चुके हैं हमें, ठीक है। 5 स्टार का फीचर्ड खोलूँ या 5 स्टार का बेसिक खोलूँ? बेसिक में शांगची है, फीचर्ड में भी शांगची है, लेकिन फीचर्ड में कम चांसेस है मिलने के। शांगची है कि नहीं एक मिनट देख लूँ मैं। मोजो भी मिल चुका है मुझे यार, मोजो मिल चुका है मेरे को। ओल्ड नहीं यार, शांगची नहीं है इसमें, मैं बेसिक में ट्राई कर रहा हूँ, मैं शांगची के लिए ट्राई करूँगा, मेरे को शांगची चाहिए यार, शांगची चाहिए मेरे को। बार इसे ओपन करते हैं, ओके ठीक है। तो एक और 5 स्टार क्रिस्टल जो खोलने, भाई कितने खोल चुका हूँ मैं 5 स्टार के यार, तगड़े तगड़े दो मिल गए हमें, अवेकन हो चुके हैं दो, सेंट्री अवेकन हो गया, रेड गार्डियन अवेकन हो गया, गिलोटाइन 2099 मिल गई, शॉम मिल गई हमें, एंड अगला जो 5 स्टार ओपन होने जा रहा है एपोक्लिप्सी इज द बेस्ट। मिल जाता है तो बढ़िया है, वरना मुझे शांगची चाहिए, जो कि देखो जो कि मेरे को दिख भी नहीं रहा है भाई। शांगची है भी इसमें कि नहीं? अरे इस वाले रोस्टर में, इस वाले रोलिंग में नहीं है यार शांगची। एपोक्लिप्सी मिल जाए तो बढ़िया है, डुप्लीकेट नहीं मिलना चाहिए कोई, बट मैं टैप कर दिया, होपफुली कोई अच्छा चैंपियन मिल जाए हमें। अच्छा दे दो भाई, एयरवॉकर नहीं, ओके टिग्रा मिल चुकी है, जो कि ठीक चैंपियन है, अच्छी चैंपियन है, बहुत अच्छी चैंपियन है, ये भी अनब्लॉकेबल हो जाती है स्पेशल 1 पे, ऐसा कुछ है स्पेशल पे अनब्लॉकेबल हो जाती है। तो तगड़ी, एक और तगड़ी चैंपियन मिल गई है हमें, मिस्टिक की मिल चुकी है 5 स्टार टिग्रा, एंड अब 6 स्टार की फिर से ओपनिंग होने जा रही है। एक और 6 स्टार हम ओपन करेंगे बेसिक में, आई थिंक बेसिक में शायद से, मेरे ख्याल से शांगची है क्या 6 स्टार में? शायद नहीं, पता नहीं यार, बट इसमें ऑडिन है 6 स्टार का, जो कि ऑलरेडी सबारी पैंथर है 6 स्टार की, सिविल सेंचुरियन बहुत तगड़ा है। ओ भाई, अरे शांगची भी है इसमें, ओके भाई अब दिल की धड़कने थाम लो, क्योंकि मुझे शांगची चाहिए, मेरे को शांगची की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत तगड़ा चैंपियन है, एंड आज मैं अवेकन भी कर दूंगा, गोस्ट को अवेकन करने की सोच रहा हूँ मैं। शांगची दिख जा पहले मेरे को, शांगची दिखेगा तब मैं टैप करूँगा। किधर है शांगची भाई? अरे 6 स्टार का हैवॉक भी तगड़ा रहेगा यार, क्लॉसेस तो भाई क्या ही कहने क्लॉसेस के, ह्यूमन टॉर्च भी तगड़ा है, ऑडिन तो है मेरे पास 5 स्टार में, 6 स्टार में नहीं चाहिए मेरे को। शांगची दिख ही नहीं रहा यार, चलो टैप कर रहा हूँ मैं, शांगची दिखाई नहीं मेरे को, एंड 6 स्टार का एक और जो ओपन होने जा रहा है वो है हल्क बस्टर। अरे भाई क्या किस्मत चल रही है यार, क्या किस्मत चल रही है, क्या तगड़ा चैंपियन मिल गया भाई टैक में, क्या तगड़ा चैंपियन मिल गया मेरे को, 6 स्टार का हल्क बस्टर मिल गया भाई। क्या डिफेंडर है, क्या अटैकर है, मैं क्या कहूँ यार, क्या चल रहा है, क्या लक चल रहा है भाई। एंड एक और चीज़ थी, क्या करना था हमें, हमें अवेकन करना था, ग्रैंड मास्टर है ना, चलो इन्हें भी ओपन कर देते, क्या पता यहाँ से भी 5 स्टार निकल जाए कोई, एटलीस्ट 3 तो ओपन कर ही सकता हूँ ना मैं, ओके 3 ओपन कर सकते हैं हम, चलो रोलिंग पे डालते हैं इन्हें, 5 स्टार मिल जाता तो बढ़िया है, वरना तो फिर भाई आगे तो तगड़े पुल मिली गए हैं हमें, ओके। ओ मेरे को कॉर्वस दिखा भाई 5 स्टार में, मुझे कॉर्वस दिखा भाई 5 स्टार में, ओके क्या पता यहाँ से शांगची तो नहीं मिलेगा वैसे यहाँ से, ओके 5 स्टार का नहीं मिला, ओ भाई रह गया रेड गॉब्लिन डुप्लीकेट होना रह गया, चलो ठीक है कोई नहीं,
ऑलरेडी बहुत सारे मिल चुके हैं हमें, तो जो भी ऑफर मैंने बाई किए उनमें सब में अच्छे चैंपियंस निकले हैं। मुझे कोई दुख नहीं है इतने यूनिट स्पेंड करने का। गिफ्टिंग इवेंट आने दो, जिनको मैंने करना है मैंने डिसाइड कर लिया है, मेरे को डिसाइड तो अभी तक नहीं किया, लेकिन मैं देखूंगा प्रोफाइल्स देखूंगा सबकी, उसके बाद मैं उन्हें गिफ्टिंग इवेंट में गिफ्ट करूंगा। जो भी कुछ गिफ्ट करना होगा मैं ज़रूर करूंगा गिफ्ट। अब मुझे पता नहीं है क्या होता है वैसे। ओ टिगरा गई। तो 3 स्टार का नोवा है जो कि बिल्कुल भी फालतू है, नहीं चाहिए 3 स्टार में। एंड लास्ट जो क्रिस्टल ओपनिंग होने जा रही है ग्रैंड मास्टर की, लेट्स सी क्या पता यहाँ से 5 स्टार का अल्ट्रॉन निकल जाए। ओके 5 स्टार चाहिए भाई, 5 स्टार। गोस्ट भी तगड़ी है, नेचुरली अगर ड्यूप हो जाती है तो बढ़िया है। अल्ट्रॉन तो गया, नहीं मिल रहा। ओ भाई होल मैन रह गया। ठीक है, प्रोफेसर एक्स मिल गया 3 स्टार में, सारे के सारे 3 स्टार मिले हैं। चलो अब हम क्या करते हैं, गोस्ट को ना अवेकन कर देते हैं। चलो पहले रोस्टर दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। लेवल अप पे जैसे क्लिक करेंगे हम सारे के सारे हाईलाइट हो जाएंगे, एंड सारे के सारे तगड़े फुल किए हैं मैंने भाई। रेड गार्डियन अवेकन हो गया यार अपना। फिल्टर पे जाते हैं, 6 स्टार नहीं लेवल अप जाना है मेरे को, मैं भी क्या कर रहा हूँ। ये रहा लेवल अप। हल्क बस्टर हमें नया मिल चुका है, ग्यूलूटेन 2099 मिल चुकी है, टिगरा मिल चुकी है, स्टॉर्म मिल चुकी है 4 स्टार में, जो फिक्सिट है 5 स्टार में, बस यही मिले क्या? 1 2 3 4 पुल हमने तगड़े किए हैं, CEO पुल मेरे को लग रहे हैं सारे के सारे। तो गाइस बहुत ही तगड़ा हमारा पुल हो चुका है। रोस्टर भी 6 स्टार के 6 चैंपियन हो चुके हैं मेरे पास। मज़ा आ गया यार, मतलब टैग के 2 मिल गए। ओके चलो अब क्या करते हैं, अब गोस्ट को मैं अवेकन करना था, गोस्ट को भी अवेकन कर ही देते हैं। या मैं सोच रहा हूँ लेवल अप वीडियो में जो मैं रैंक अप वीडियो बना रहा हूँ उसी में करूँगा मैं, ठीक है। ओके गाइज, आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि यार तगड़े तगड़े पुल निकाल दिए इसमें भी हमने। एंड गिफ्टिंग इवेंट आने दो, देखते हैं उसमें कैसा क्या रहता है। मैं गिफ्ट ज़रूर करूँगा किसी किन्हीं पाँच को रैंडम को। तो मिलता हूँ जल्दी आपसे एक नए गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।